से थे सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराज थे और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाला कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, प्रत्येक जीव इस संसार में पुरुषार्थ करता है और वह पुरुषार्थ करते हुए यह जान नहीं पाता कि वह पुरुषार्थ किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है। और शायद यही ज्ञान ना होने के कारण से व्यक्ति स्वयं का काम छोड़ के दूसरों के कार्यों में, दूसरों के जीवन में झांकने का सबसे अधिक प्रयास करता। जितना प्रयास व्यक्ति स्वयं के भीतर झांकने का नहीं करता, उससे कई अधिक गुना प्रयास शेखर पंडित जी व्यक्ति दूसरे के जीवन में झांकने का। शायद यही कारण रहा कि अनादि से जीव अपना कार्य, अपना जीवन छोड़ते हुए दूसरों के कार्य और दूसरों के जीवन को देखने के कारण से दुखी रहा। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब जीव अपने स्वयं के जीवन को और अपने स्वयं के कार्यों को नहीं जानेगा, तब तक वह कभी भी जीवन में सुख और शांति का वेदन नहीं कर सकता। पुरुषार्थ करना, कार्य करना इतना ही मात्र पर्याप्त नहीं होता जीवन को सुखी बनाने। जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के जीवन के बारे में और स्वयं के लक्ष्य के बारे में, स्वयं के कार्यों के बारे में सोचने की आवश्यकता। आज तक इंसानों ने, मनुष्यों ने भी यही कार्य किया। मनुष्य बनने के बाद भी स्वयं के जीवन को झांकने की जगह, स्वयं को संभालने की जगह दूसरों को संभालने का समय दिया,
दूसरों को समझाने का समय था। जो मनुष्य बनने के बाद, श्रावक बनने के बाद स्वयं के कर्तव्य थे, उन कर्तव्यों के पालन करने की जगह दूसरा क्या कर रहा है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, किसको क्या करना चाहिए था, यही सोचते सोचते वह पूरा जीवन निकाल लेता। और जब आखिरी सांसें चलती है, डॉक्टर हार्ट खड़ा कर देता है, तब उसे विचार आता है कि अरे मैंने तो जीवन भर कुछ किया ही नहीं, जीवन भर मैं यही सोचता रहा मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, सोचते सोचते जीवन निकल गया, पर कर क्या पाया, कुछ नहीं कर पाया। इसलिए जीवन के प्रारंभिक अवस्था से ही हमें ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि मुझे अपने जीवन के लिए करना क्या है, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये करने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मैं ये कर भी रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। चाहे मंत्री जी बाबू, चाहे आप धन दौलत कमा रहे हो, कभी ये विचार किया मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? नहीं किया। शायद जितने लोग बैठे हैं उनमें से बहुत बहुत विरले कोई एकाद हो जिसने कभी सोचा भी हो, पर मुझे विश्वास है कि शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा। मात्र जो भी कार्य हमने किया, दूसरों को देखा सेखी करने का हमने काम किया। माँ आप लोग भी तो घर गृहस्थी चलाते हैं, पूजन पाठ भी करते हैं, कभी ये विचार किया कि मैंने पूजा क्यों की? कभी ये विचार हमने किया कि हमने पैसे किस लिए कमाए? नहीं निर्णय कर पाए। और इसलिए धन दौलत देव शास्त्र गुरु सब 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 कुछ होने के बाद भी आज का इंसान दुखी है। पक्का मानना, आज का इंसान मात्र स्वयं की करतुति, स्वयं की हरकतों से परेशान है, अन्य कोई में भी किसी में भी दादा दम नहीं है कि कोई आपको परेशान कर पाए। कर सकता है? कर नहीं सकता। जब तक हम अपनी स्वयं की उस कार्य प्रणाली को, विचारों को, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक विश्वास मानना जीवन में कभी सुखी होने वाले नहीं है। क्या कितनी बड़ी भूल आज तक इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी भागचंद जी जीवों ने की। श्रावक भी बना, सच्चे देव शास गुरु का सानिध्य भी मिला, धर्म करने के लिए, धर्म की क्रिया करने के लिए सुख के साधन रूपी धन दौलत भी हमें मिली, पर इसका ही बोध नहीं था कि मैं ये कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ। जो पई पई करके धन दौलत आपने जोड़ी है किसके काम की? बाबूजी कितना साथ ले जाओगे? एक आध करोड़, एक आध प्लॉट तो ले जाओगे? जो बहुत सारे जगहों पर जमीन खरीद के आपने डाल के रखी है, उसमें से किसी जमीन पर आपके बाबूजी संस्कार होंगे? बोलो ना। बहुत सारों की बहुत सारी जमीन जायदाद है, क्या भागचंद जी वहां किसी के संस्कार होंगे? मृत्यु के बाद के पूछ रहा हूं, क्योंकि ये तो अटल सत्य है, जो आया है वो जाएगा, जन्मा है सो मरेगा, पर जब भी मरण होगा बेटों से पूछ लेना, जो बहुत सारी प्रॉपर्टी और जमीन खरीद के रखी है उसमें से किसी कोने में 3 फीट की जगह मिलेगी आपके शरीर के संस्कार के लिए? नहीं मिलेगी। पर फिर भी मरा जा रहा है व्यक्ति, मरा जा रहा है, मरा जा रहा है, किसके लिए मर रहा है पता नहीं, किसके लिए जी रहा है पता नहीं, किसके लिए धर्म कर रहा है पता नहीं। और जब तक ये निर्णय मां नहीं होगा, तब तक विश्वास मानना जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। व्यक्ति स्वयं के कर्तव्यों को छोड़कर, स्वयं के कार्यों को छोड़कर, स्वयं के जीवन को छोड़कर दूसरे में झांकता है, वो पूजा करता है कि नहीं, वो दान देता है कि नहीं, वो ध्यान करता है कि नहीं? मात्र और मात्र दूसरों को देखते देखते, दूसरों की परीक्षा करते करते जीवन श्रावक बनने के बाद भी जीवन व्यर्थ चला गया। पर कब समझ में आता है?
कब समझ में आता है? जब पूरा समय निकल जाता है, अब समय बचा नहीं है, तब समझ में आता है कि मुझे कुछ करना था अपने लिए। माँ, कितना पुरुषार्थ और कितनी मेहनत आज तक आपने अपने स्वयं के लिए की। सुबह से लेकर शाम तक जो भी घर गृहस्थी के कार्य किए, किसके लिए किए? कभी इसको मनाए, कभी उसको मनाए, कभी इसको समझाए, कभी उसको समझाए, पर अपने आप को समझा नहीं पाए, अपने आप को मना नहीं पाए। गहनतम निर्णय करने की आवश्यकता थी। हमारे लिए भी आचार्य भगवंतों ने एक मार्ग बताया है। चाहे श्रावक हो, चाहे साधु हो, सबके लिए अपने अपने कर्तव्यों का बोध कराया है। आप श्रावक हो तो श्रावक के कर्तव्यों का पालन करो, आप मुनिराज हो तो आप मुनिराज के कर्तव्यों का पालन करें, आप श्रावक नहीं हो तो श्रावक बनने का प्रयास करें। मात्र और मात्र जैन कुल में जन्मने से कोई भी श्रावक विनोद मासाब नहीं होता। करोड़पति अरबपति के घर में जन्मने से फिर भी वह करोड़पति अरबपति कहला सकता है। सरकार से लड़ते हुए, कोर्ट कचहरी में पहुंचते हुए आधी प्रॉपर्टी या पूरी प्रॉपर्टी का हकदार बन सकता है। पर जैन कुल में मात्र जन्मने से आप श्रावक बन जाओ जरूरी नहीं है। जब तक श्रावक के उन कर्तव्यों का बोध नहीं है, श्रावक के कर्तव्यों का पालन नहीं है, तब तक आपका प्रत्येक कार्य करना व्यर्थ है। श्रावक वही होता है जिसे बोध है कि मैं कौन हूं और किसके लिए सब कुछ कर रहा हूं। हो गया सब कुछ निर्णय हो गया, पर स्वयं का निर्णय वीरू आज तक नहीं कर पाए। क्यों वीरू, हो गई शादी, श्रावक बन गए? कहने के लिए तो हमने गृहस्थ मार्ग स्वीकार कर लिया, पर क्या उसका हमारे पास निर्णय है कि मैंने कर लिया, अब क्या करना है, क्यों कर रहा हूं, किसके लिए किया, कुछ नहीं पता। उत्कृष्ट मार्ग यही था, जैन कुल मिला था, मनुष्य पर्याय मिली थी। हम अपने उस जैन कुल मनुष्य पर्याय को, अपने आप को धर्म के प्रति समर्पित करते हुए, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित करते हुए मुनि दीक्षा लेते, वो श्रेष्ठ कार्य था। पर हम वो नहीं कर पा रहे हैं, उत्कृष्ट कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम मध्यम मार्ग जो श्रावक के लिए कहा है, उन श्रावक के मध्यम मार्ग का भी तो आलंबन ले सकते हैं। पर कितने ले पाते हैं? मात्र कहने के लिए, समझने के लिए हम देव सास गुरु के माँ भक्त तो बने घूमते हैं, पर ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हम भक्त बने हैं तो भगवान के लिए, गुरु के लिए बने हैं कि अपने आप के लिए बने। समझ में आ रहा है मंत्री जी? हम देव सास गुरु के भक्त बन के तो घूम रहे हैं, खूब घूम चुके, पर ये निर्णय नहीं कर पाए हम भगवान के लिए, गुरु के लिए भक्त बने हैं कि अपने आप के लिए भक्त बने। जो हमारे लिए कर्तव्य, हमारे लिए आवश्यक और श्रावक बने की कथानक और बातें आचार्यों ने बताई है, वो किसके लिए बताई है? भगवान के लिए। वे तो भगवान बन चुके, वे भगवान बन चुके जो निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु है। वे अपने आवश्यकों का, अपने मूल गुणों का पालन करते हुए अपना कल्याण कर जाएंगे। हम उनके लिए भक्त नहीं बने, हम उनके लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, हम उनके लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को भगवान और गुरु बनाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। ये निर्णय करने की आवश्यकता है, तभी हम अपने जीवन में उन कार्यों को उत्कृष्टता से करते हुए किसी लक्ष्य तक पहुंच सकते। आज तक यही तो हुआ पंडित जी, आज तक यही तो हुआ। पुरुषार्थ किया, मेहनत की, जीवन व्यतीत किया, पर ये निर्णय नहीं कर पाए कि हमें कौन सी दिशा में जाना था। दिशा का मतलब मात्र पूर्व पश्चिम ये नहीं, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या था। हम ये सब कुछ कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे? हमने देव सास गुरु की भक्ति कर ली, पर प्रीतिश क्यों कर ली, इसका कभी विचार किया? नहीं किया। तुम्हारी भक्ति की, तुम्हारी सेवा की, तुम्हारी व्यवस्था की भगवान को, गुरु को, जिनवाणी को आवश्यकता नहीं थी। अगर आवश्यकता किसी को थी तो स्वयं की उसको आवश्यकता।
अपने आत्म कल्याण के लिए हमें ये सब कुछ करना था, पर जीव कुछ समय तो विचार करते हुए कार्य प्रारंभ करता है, पर जैसे ही एक उसे आदत सी लग जाती है, उसे भूल जाता है मैं भगवान की भक्ति भगवान के लिए कर रहा हूँ कि अपने लिए कर रहा हूँ, मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ तो गुरु के लिए कर रहा हूँ कि अपने के लिए कर रहा हूँ, ये सरासर व्यक्ति कुछ समय बाद भूल जाता है। और इसी कारण से वह प्रमाद करते हुए जो जो कर्मों की निर्जरा वो करना चाहता था कर सकता था, वह कर्मों की निर्जरा वो नहीं कर पाता। इसलिए कुंद स्वामी कह रहे हैं कि आप अपने कार्यों को समझने का प्रयास करो। आपके लिए जो कार्य बताए हैं, कर्तव्य बताए हैं, आवश्यक बताए हैं, आप उनमें ही अपने आप को उलझाने का और सुलझाने का प्रयास करो। दूसरे के जीवन में झांकने का प्रयास मत करो। अगर किसी भी प्रकार से हम दूसरे के जीवन में झांकने का प्रयास करेंगे तो स्वयं का जीवन सुख नहीं होगा। जो भी हमें कार्य करना है उसका पहले निर्णय करना है, मैं धन भी कमा रहा हूँ तो किसके लिए कमा रहा हूँ, मैं घर गृहस्थी चला रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ, मैं भगवान की पूजा गुरु की सेवा भी कर रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ, ये निर्णय करते हुए अपने कर्तव्यों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि उन छह आवश्यकों में भी कुंद स्वामी श्रावकों के लिए मुख्य रूप से कहते हैं, दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मो न सावया तेन विना। शिखर पंडित जी, दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मो न सावया तेन विना। श्रावक श्रावक ही नहीं है जब तक वह दान और पूजा करना नहीं सीखता है।